नवीन भाई आवाज को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं नवीन भाई और पनवेल की ताजा तरीन खबरें। नवीन भाई वासी सेक्टर 10 महालक्ष्मी अपार्टमेंट JN2 बिल्डिंग नंबर A1 में रहने वाले अमेय सावंत नाम के दिव्यांग बच्चे ने 90.6% लाकर अपनी जगह बनाई है। इसी विषय को लेकर अमेय के पिता सुनील सावंत से मिला गया तो उन्होंने बताते हुए कहा कि 5 साल की उम्र के बाद अमेय को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम की बीमारी का शिकार होना पड़ा। इसके बाद उसे व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ा है। लेकिन फिर भी उसके हौसलों में उमंग थी, आज उसने कर दिखाया है और अपना नाम रोशन किया है। ये पहले 5 साल तक नॉर्मल बच्चे के जैसा था, मगर जब मालूम पड़ा कि ये बार बार गिर रहा है तो हमारे सामने अंकल थे राउत करके, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये आप डॉक्टर को दिखाओ कि क्या एग्जैक्टली। तो मैं लाइटली ले रहा था कि इतना कुछ बड़ा बीमारी नहीं रहेगा। तो बाद में जब हमने उसको बॉम्बे हॉस्पिटल लेके गए और वहाँ पे उसका टेस्ट करवाया, CPK टेस्ट, तो उसमें उसका रिपोर्ट एकदम ख़राब आ गया। तो बॉम्बे हॉस्पिटल ने सजेस्ट किया कि आप हिंदुजा के जो हॉस्पिटल में न्यूरोसर्जन डॉक्टर उदानी है उनको दिखाओ। तो उनको दिखाने के बाद हमको मालूम पड़ा कि इसको क्या हुआ एक्चुअली। तो इसका इस बीमारी का नाम है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जिसमें आदमी धीरे धीरे डिपेंड हो जाता है। जैसे अभी ये फिलहाल पूरा डिपेंड है, मीन्स अभी खाना खाता है खुद के हाथ से मगर बाकी एक्टिविटी कुछ नहीं कर पाता है। तो उसका पूरा ख्याल मेरी वाइफ वो रखती है पूरा, मीन्स उसको स्कूल लेके जाना और ये सब कुछ करना। तो अभी उसका मेमोरी एकदम स्ट्रांग है और उसका विल पावर स्ट्रांग है, इसके वजह से वो अभी आज तक ये लड़ पा रहा है। और वो खुद ही बोल रहा है कि मैं अभी तक हारा नहीं हूँ, उसके वजह से वो आगे बढ़ते जा रहा है और हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और एक ये जो है हमारे स्वामी जी परम पूज्य टेम्बे स्वामी महाराज, उनका कृपा है उसके ऊपर और हमारे माँ बाप का आशीर्वाद है, इसके वजह से आज वो इतना आगे बढ़ रहा है। और ऊपर से उसको इतना सपोर्ट मिला स्कूल की तरफ से, खास करके उनके टीचर्स जो है उन्होंने हर तरह से उसको सपोर्ट किया। उसके स्कूल के जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी उसको बहुत सपोर्ट किया, जब भी ये व्हीलचेयर से ऊपर लेके जाना होता है स्कूल के अंदर तब उसको सपोर्ट कर देते, अगर घर पर लेके आना है तो भी उसको सपोर्ट कर देते। जैसे मेरे नेबर्स है, जैसे ये मेरी मौसी है, वो सब उनको सपोर्ट कर रही है हमको कि कहाँ लेके जाना है क्या लेके जाना है, और उसका ख्याल खास करके रखते हैं हम लोग। और अभी इसका कोई दवा नहीं है चल रहा है, खाली होम्योपैथी चल रहा है, क्योंकि उसको होम्योपैथी इसके लिए है क्योंकि कुछ खाना खा रहा है वो डाइजेस्ट हो रहे व्यवस्था बराबर से होना है, इसके लिए उसको हम लोग दवाई करें, मगर इसके ऊपर अभी तक कुछ इलाज नहीं है। तो हम अभी ये रिजल्ट आने के बाद हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इसको इतना परसेंटेज आएगा करके, हमने उसको कभी प्रेशर नहीं किया कि भाई तू इतना ही पढ़ाई करना चाहिए, ना ही मैंने उसका पढ़ाई लिया है ना ही मेरे वाइफ ने इतना पढ़ाई लिया है, जो वो कुछ किया है उसने खुद को किया है। दूसरा, स्कूल ने लास्ट मोमेंट में उसको एक राइटर दे दिया, तो राइटर ने भी मस्त उसको साथ दिया, जो उसका नाम धनंजय करके है, जो लड़के ने उसको बहुत साथ दिया और अच्छा परसेंटेज लेके दिया। तो हम लोग सबके लिए थैंक्स बोल रहे हैं। इवन अभी जो मंदाताई मात्रे है वो आके उनसे मिली और उसके स्कूल का जो खर्चा है वो उन्होंने उठाया है कि जो भी फीस रहेगा वो पे करेगी करके, ऐसे उसने हमको आश्वासन दिया है। और दूसरे संजीव नाइक सर भी आए थे उनको मिलने के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग फील प्राउड कर रहे हैं कि ऐसा बच्चा होने के बावजूद भी हमको बहुत कुछ भगवान ने दिया है। तो हम लोग भगवान के ऊपर इतना विश्वास हो गया है कि हमको अभी और कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, बस जो है वो यही, इसमें हम लोग खुश हैं। इसी विषय को लेकर नवीन भाई आवाज़ की टीम ने अमेय सावंत से बात करते हुए बताया कि सेंट मैरी स्कूल में टीचरों, दोस्तों
और माता पिता के सहयोग से मुझे सफलता मिली है। आज राजनीतिक लोग भी मुझे बधाई देने पहुँच रहे हैं और मुझे क्रिकेट खेलना काफ़ी पसंद है। मैं स्पीड में नहीं लिख सकता था, इसलिए स्कूल के माध्यम से मुझे 10वीं की परीक्षा में राइटर भी मुहैया कराया गया था। मुझे 90.60% मिले इस एग्ज़ाम में। अभी आगे कॉमर्स करना है तो विषय के सीए बना है। मुझे पढ़ाई की से जो स्कूल में जैसे बताया था ऐसे करने बोला था पढ़े वैसे किया। सपोर्ट करने के लिए टीचर्स का बहुत सपोर्ट था, बहुत मदद की उन्होंने मुझे। मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, उनकी वजह से ही मैं अभी 10th तक पहुंच पाया हूँ। अभी आगे भी कॉलेज में कॉमर्स ले रहे हैं। पहले तो सोचा था कि कम से कम 80 के ऊपर परसेंट लाने थे, लेकिन इतना ज़्यादा परसेंट आने थे ऐसे मुझे लगा ही नहीं था बिल्कुल भी। सब दोस्त मुझे अप्रिशिएट कर रहे, कह रहे कि बहुत अच्छे मार्क्स मिले विदाउट ट्यूशन से। सब टीचर्स ने भी उतना ही कहा मुझे। और बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे मैं उतनी लिखने की स्पीड नहीं थी, तो राइटर दिया था स्कूल की तरफ से, उसका नाम धनंजय नाम है उसका, उसने अच्छा था वो लड़का, बहुत सपोर्ट किया उसने। अभी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी 2 दिन पहले खासदार आए थे, माजी खासदार संजीव नायक कह के, वो राष्ट्रवादी से, उन्होंने भी मुझे कॉन्ग्रेट्स किया। और एक भाजपा से भी आमदार थे, बीजेपी से मंदा था मात्रे, उन्होंने भी मुझे कॉन्ग्रेट्स किया। उन्होंने कहा कि आगे की पढ़ाई के लिए ऑल द बेस्ट ऐसे। और आधार फाउंडेशन के मधुकर के थे, तो उन्होंने ही सपोर्ट किया और उन्होंने ही मंदा मात्रे को बुलाया था। पता नहीं कितने घंटे बैठता था, लेकिन अपने तरीके से पढ़ता था, खेलता भी था मैं, मतलब बाहर भी जाता था खेले फ्रेंड्स के साथ, वो अब खेलता था फिर वापस आके पढ़ाई करता था। कि ज़्यादा धन पढ़ाई पे था, वो भी एग्ज़ाम्स के वक्त बहुत ज़्यादा था। क्रिकेट पसंद है, खेलने को जाता हूँ। जनवरी में जब प्रीलिम्स थे, सेकंड प्रीलिम्स थे, तो एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी थी, लेकिन 4 ही एग्ज़ाम्स हुए और 4थे एग्ज़ाम के दिन पर सुबह उठा और फीवर चढ़ गया था, बहुत हाई फीवर था, 100 के ही ऊपर था फीवर। तो थोड़े दिन बाद पता चला कि निमोनिया हुआ है। चेक किया था, एक्सरे लिया था कि आया था कि निमोनिया स्पॉट किया है उन्होंने। तो बहुत ज़्यादा टेंशन आई थी कि अभी निमोनिया है, आगे कैसे होएगा, कैसे एग्ज़ाम पे लिखेंगे, सब टेंशन था। लेकिन बाद में ठीक हो गया, सिर्फ भगवान की वजह से। इंटरेस्टेड ज़्यादा मैथ्स में है, उसमें ही ज़्यादा है मुझे। हाँ, मैथ्स लिया है अभी, कॉमर्स में मैथ्स है ना सब्जेक्ट, तो वो लिया है मुझे। इसी विषय की अधिक जानकारी देते हुए अमे की माँ ने भी अपनी राय व्यक्त की है। उनका मानना है कि हमने अपने बच्चे पर कभी भी पढ़ाई का दबाव नहीं डाला, पड़ोसियों का काफ़ी अच्छा सहयोग रहा है। मतलब व्हीलचेअर वगैरह आम्ही नेतो शाळेमध्ये वगैरे, म्हणजे त्याला उठता येत नाही बसता येत नाही, त्याच्यामुळे व्हीलचेअर बसवायचं आणि शाळेत न्यायचं। शाळेत नेताना पण शाळेत नेल्यावरती तिकडे पिऊन वगैरे किंवा मुलं असतात ते आम्हाला मदत करतात वर न्यायला, कारण फर्स्ट फ्लोअरला त्याचा क्लास होता ना, मग ते उचलून न्यायचं असतं, मग ते पिऊन न्यायचे किंवा मग स्कूलमधले स्टुडंट्स असायचे ते आम्ही एका साईडला वरती पकडायचे, मुलं पाय पकडायचे आणि मग असं वरती न्यायचं, मग त्याला क्लासमध्ये मग बसवायचं। खूप मदत केली शाळेने म्हणा, बाजूबाजूचे पण, कधी मला कुठे जायचं असेल ते आजी आहेत त्यांच्याकडे ठेवून जाते, त्या खूप मदत करतात अगदी लहानपणापासून। अच्छा लग रहा मेरे को, बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को, लगा ही था आजी तब से तो मेरे मिलना ही चाहिए उसको, उसने 91 से मिलाया मेरे को, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और गुड बाय, बचपन से इतना छोटा था तब से मैं देख रही हूँ उसको, सब तब से मैं संभाल भी रही हूँ उसको, अच्छा लग रहा है मेरे को, बहुत ही अच्छा लड़का है। वीडियो जल्दी सुमित रेनू के साथ पंकज बेनवंशी की रिपोर्ट। नवी मुंबई आवाज को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं नवी मुंबई और पनवेल की ताजातरीन खबरें।